थोड़ा सा कंटिन्यूड प्रपोर्शन के बारे में ध्यान देते हैं। एक तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन के बारे में ध्यान देंगे, उसके बाद अपन देखेंगे कि कंटिन्यूस प्रपोर्शन आते हैं तो हम क्या करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ए बाय बी और दिस सी बाय डी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज द फर्स्ट प्रपोर्शन, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये होता है फोर्थ। तो बहुत बार आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं 2:3:2 ऐसे :2:2 लगा देंगे, है ना, :5:2 अब ये x था, ये तो बहुत इजी है, 2/3 = कितना 5/x, बहुत इजी, तो 2x = कितना 15 और x = कितना हो जाएगा 15/, इट इज इजी, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट बेटा कभी कभी इसी क्वेश्चन में ये समझ में अगर आ गया हो तो कभी कभी इसी क्वेश्चन में ध्यान रखना इन दो बीच वालों को, कौन कौन से, बोलो ए बी सी और डी है, तो बी और सी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शंस और ए और डी को बोलते हैं एक्सट्रीम्स, इनको क्या बोलते हैं मीन और इनको क्या बोलते हैं एक्सट्रीम्स, ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट और लास्ट आर एक्सट्रीम्स और बी एंड सी आर मीन्स। और कभी कभी क्या होता है ना कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता है, इसका मतलब बोलते हैं नजर, इसका क्या होता है उसमें कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, ए इज टू बी :2 बी टू सी, मतलब बी इनको जोड़ रहा है, तो ये हो गया अपने जो इस केस में जो अपने बी होता है इससे एक रूल निकलता है कि तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए सी, क्योंकि ए बाय बी इज इक्वल टू क्या होता है बी बाय सी। तो बहुत बार पूछते हैं द मीन प्रपोर्शनल, मीन प्रपोर्शन बिटवीन, ऐसा बोल देंगे आपको मीन प्रपोर्शन बिटवीन 4 and 9 इज, मतलब मीन प्रपोर्शन पूछ रहे, अब मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैंने बोला मतलब डी पूछ रहे, मतलब ऐसा बोल रहे हो कि 4/b इज इक्वल टू कितना बी बाय 9, तो ऐसा कुछ हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, तो ऑटोमेटिकली तेरा बी कितना आ जाएगा 6। तो समझ में आया बेटा, तो ये होता है एक्सट्रीम, सी क्या होता है मीन्स। बेटा कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे तुमको जिसमें तुमको ये करना पड़ेगा कि ए अपॉन में 3 इज इक्वल टू बी अपॉन में 4 इज इक्वल टू सी अपॉन में 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी माइनस 2c अपॉन में लेट्स से सी, ऐसा पूछ सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा ऐसे में क्या, जब ऐसे कंटिन्यूस बहुत सारे इक्वल टू होना और तुम सब इक्वल टू के, क्या इक्वल टू के नहीं पता, तुम सब इक्वल टू क्या के, तो तुम्हारे पास ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3k, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4k और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5k, तो a कितना हो गया 3k, b कितना हो गया 4k और c कितना हो गया 5k, ठीक है बेटा। अब अगर a 3k, b 4k और c कितना है 5k, तो अब अपन क्या करेंगे बेटा, आराम से a मेरे पास क्या है 3k, b मेरे पास क्या है 4k और c मेरे पास क्या है अगर बात करें 5k, तो 2 × 5k अपॉन में कितना 5k, तो 3k प्लस 4k इज इक्वल टू कितना हो गया 7k माइनस कितना 10k अपॉन में कितना 5k, तो अल्टीमेटली ये माइनस 3k अपॉन में 5k, द आंसर विल बी -3/5। समझ में आया बेटा, चलो इसी क्वेश्चन करें।